मेरे को काफ़ी दिनों से जब अभिषेक देखती थी तब बहुत मन होता था कि कब जहाजपुर जाऊं। तो कल रात को जब हम लोग आए रात को तो लाइटिंग देख के तो इतने आँखों में जैसे आंसू आने लगे। इतना सुंदर दृश्य की कल्पना जैसे करी थी उससे ही कहीं गुना ज़्यादा अच्छा था और इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन रात को हम लेट हो गए थे तो दर्शन नहीं कर पाए, तो बहुत जी दुखा क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। फिर सुबह अभिषेक करने गए तो आज सोच के आई थी कि कुछ भी हो आज तो अभिषेक अपने घर लेने ही हैं। हम तीन परिवार आए हैं तो अभिषेक करना है क्योंकि आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन भी है, भाई जी बहन जी की शादी की सालगिरह भी है और इतना अच्छा मौका है तो इसलिए हमने पूरे दिन चल के आए क्योंकि रात को पहुँचना ज़रूरी है। इसलिए पूरे दिन इंदौर से हम सुजालपुर से सारी चल के आए कि कितने थक गए थे लेकिन रात को यहाँ आना ही है कि कल अभिषेक करेंगे तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का ही करेंगे। यहाँ पर आके तो ऐसा लगता है जैसे अपन स्वर्ग लोक में आ गए हैं। जाने का यहाँ तो मन नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत। तो मुझे ऐसा लगता कि एक दिन में भी जहाजपुर जाके और यहाँ पे दर्शन करूँ। हमारे बेजी साहब के प्रयास से ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने आज यहाँ दर्शन और अभिषेक और शांति धारा का मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य उनके माध्यम से मिला। जी हिंद। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा।